हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के सिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है, वो हो जाता है। कल हमने फंडामेंटल राइट की शुरुआत की थी और सबसे पहले हमने समानता का अधिकार, या फिर हम बोल सकते हैं कि समता, यानी कि इक्वलिटी का जो राइट है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो देखिए, आज हम चलते हैं। इससे पहले देखो, एक छोटा सा पॉइंट था जिसे हम एक बार यहाँ पे कवर है वो कर लेते हैं। पॉइंट ये था कि जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो हमें स्टेट के अगेंस्ट वगैरह प्राप्त होते हैं, इसके बारे में एक पॉइंट था। हाँ, तो जैसा आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट है ना, वो एक नेगेटिव राइट है। अब नेगेटिव है कैसे, वो हम देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेगेटिव देखो, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, स्टेट के रिस्पेक्ट में है। मतलब जो फंडामेंटल राइट है ना, वो स्टेट के ऊपर लिमिट लगाते हैं कि स्टेट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। जैसे देखो, एग्जाम्पल ले लो कि ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, समानता के अधिकार की बात कर लो, चलो राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है कि भाई साहब, सब लोग समान है, स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो मतलब क्या है कि ये स्टेट के ऊपर रोक लगाते हैं कि स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सके, इसीलिए फंडामेंटल राइट है वो एक नेगेटिव राइट है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव राइट की, तो पॉजिटिव राइट हैं जो DPSPs वगैरह में है। जैसे जैसे कि आपको बताऊं, हाँ, पॉजिटिव राइट वो होते हैं जो कि स्टेट को पावर देते हैं कि आप वैसा वैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि जो आर्टिकल 39 B और C है, जिसके बारे में हमने आगे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या प्रावधान है कि स्टेट है वो सोसाइटी के भले के लिए लोगों की जो फंडामेंटल राइट है उनको थोड़ा बहुत वायलेट भी कर सकता है। मतलब पॉजिटिव राइट वो है जो स्टेट को पावर दे रहे हैं कि भाई साहब, आप है ना सोसाइटी के भले के लिए कुछ अच्छा काम है वो कर सकते हो। तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल राइट है वो एक नेगेटिव राइट है जो कि हमें स्टेट के अगेंस्ट प्राप्त होते हैं, मतलब स्टेट के विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। स्टेट हमारे राइट्स को छीन नहीं सकता, इसीलिए हमें फंडामेंटल राइट हैं वो दिए गए हैं। जबकि पॉजिटिव राइट वो हैं जो इनके द्वारा स्टेट हम के ऊपर, मतलब हमारे ऊपर लिमिट है वो लगाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के लिए कोई स्टेट काम कर रहा है, तो उसमें किसी भी इंसान के थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट को वायलेट है वो किया जा सकता है, क्योंकि वो पूरे समाज के लिए भला है वो करेंगे। तो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है फंडामेंटल राइट का, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब हम चलते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेके 22 तक है। तो आज हम इसी को कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी रहती है तो फिर वो सही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 से शुरुआत हम कर देते हैं। देखो, आर्टिकल ये तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान के भाग 3 या थर्ड पार्ट में है वो है। ये तो बेसिक चीज़ें हमने देखो पहले कवर है वो कर ही ली हैं। अब हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 का जो पहला पार्ट है ना, 19A में भी ए, वो लॉज ये कहता है कि भाई कोई भी आदमी है उसको वोक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब वो कुछ भी बोल सकता है, कोई भी अपना जो पॉइंट है वो फ्रीडम टू स्पीच एक तरीके से आप इसे बोल सकते हो कि उसे जो मन में आ रहा है वो बोल सकता है। बट देखो, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी आदमी के मन में कुछ भी आ रहा है वो किसी को भी गाली बक रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब उसकी इच्छा है, वो अपना पॉइंट रख सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि आपको लग रहा है कि भाई देश में कुछ भी गलत हो रहा है, तो आप उसके बारे में बोल सकते हो। बस शर्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि समाज में अराजकता फैल जाए, जिससे कि आपको किसी की, मतलब आपकी मानहानि कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम नहीं सकते। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप किसी को जाके थप्पड़ मार दो। फ्रीडम आपकी वहीं तक है जहाँ तक किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो आपकी फ्रीडम से। आप अपने घर में गाने चला रहे हो, वो आपकी फ्रीडम है। बट ऐसा नहीं है कि आप डेली लाउड स्पीकर में DJ चला रहे हो, क्योंकि उससे बाकी और लोगों के भी वो राइट है वो वायलेट हो रहे हैं ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीडम का मतलब यहाँ तक है कि भाई साहब किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे पर्सन को उस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ तक ही आपकी फ्रीडम है। तो ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया। इसके बाद में आता है आर्टिकल 19A में सेकंड क्लॉज, वो ये कहता है कि आप शांतिपूर्वक कहीं भी बिना अस्त्र शस्त्र यूज किए हुए एकत्रित हो सकते हो, मीटिंग वगैरह वो कर सकते हो। देखो, खैर इसमें अपवाद भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आता है 19 का 1C। सी ये कहता है कि आप कहीं भी कोई यूनियन बना सकते हो, कहीं भी कोई कोऑपरेट सोसाइटी है, ऐसा ग्रुप वगैरह आप बना सकते हो। इसके बाद में डी पार्ट है, वो यहाँ पे ये कहता है कि भाई साहब आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, आपको इसकी फ्रीडम है। बट देखो, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश है, इसी के साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट हैं, या हम बात करें कि अंडमान निकोबार में कुछ ऐसे आइलैंड है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वहाँ पे हर आदमी नहीं जा सकते हैं। तो वो कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपवाद है, बाकी हम हमारे देश में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ अपना घर है वो बना सकते हैं।
जहाँ मर्जी, यानी कि आप सड़क के बीच में घर बना लो, मतलब कि जहाँ आप लैंड खरीद कर परचेज करके घर बनाना चाह सकते हो वहाँ बना सकते हो। आप राजस्थान में बना सकते हो, आप दिल्ली में बना सकते हो, आप हरियाणा में, एनी वेयर साउथ में, तमिलनाडु, जहाँ भी आपकी इच्छा है वहाँ आप घर है वो बना सकते हो। मतलब इस चीज़ की आपको फ्रीडम है। इसके बाद में आता है ई। ई ये कहता है कि भारत राज्य है, उस क्षेत्र में आप कहीं भी अपना बस सकते हो। सॉरी, ये जो डी था ना, ये क्या था? आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। ई ये कहता है कि आप कहीं भी जाके बस सकते हो, आपकी जहाँ मर्जी है वहाँ आप है बस रह सकते हो। जहाँ आपको अच्छा घर सूट कर रहा हो कि मेरे को यहाँ घर बनाना है, वहाँ पर आप घर है वो बना सकते हो। इसके बाद में एक एफ था जो कि खैर अब हटा दिया गया है, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। देखो, इसको निरस्त है वो कर दिया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब ये राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, वो नहीं है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 191 का जी। 191 जी क्या कहता है? जी ये कहता है कि भाई साहब, आप कहीं भी कारोबार कर सकते हो, कहीं भी आपका बिजनेस है, व्यापार, ट्रेड वगैरह है, वो कर सकते हो, तो इस तरीके की छूट है वो दी गई है। और इसके बारे में हमने एक केस भी डिस्कस किया था एमपी स्टेट के बारे में, तो वो आपको याद होगा कि कल हमने उसके बारे में अच्छे से केस स्टडी है वो की थी। तो ये देख लिया हमने, जो हमारे मोटे मोटे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है वो 19 के बारे में हमने कवर वो किया है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। अब देखो, आर्टिकल 20 है ना, इसमें क्या क्या है? आर्टिकल 20 बेसिकली इसलिए है कि अब कोई भी आज से आपने क्राइम किया है तो आपको दंड मिल रहा है, तो उसमें भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर आपको दंड दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मार डालो, काट डालो। भाई, आपको दंड दिया जाना है तो जो भी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, उसके तहत दंड मिले। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 20 का जो पहला लॉज है वो ये कहता है कि कोई भी पुराना कानून है ना, उससे आपको सजा नहीं दी सकती। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मान लो कि भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम पे ये कानून था कि भाई साहब, जो चोरी करेगा उसको 50 साल की सजा है। एग्जाम्पल लेके चलो, उस टाइम पे कानून क्या था कि कोई भी चोरी करेगा तो उसको 50 साल की सजा है वो मिलेगी। बट ये मान लो कि 2010 में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कि चोरी करने की सजा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 थप्पड़ लगेगी, मतलब 2 थप्पड़ है वो लगने की, चोरी की सजा है वो है। तो अब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे किसी आदमी ने चोरी की, मतलब कि आज की जो प्रेजेंट डेट है, ये मान लो कि किसी आदमी ने अब चोरी की 2019 में, तो ये नहीं कि उसको 50 साल की सजा होगी। नहीं भाई साहब, जो एट प्रेजेंट जो कानून है ना, उसके हिसाब से सजा मिलेगी। पुराने कानूनों के हिसाब से सजा नहीं दी जा सकती, ये आपको नया पॉइंट ध्यान में रखना है। इसी के साथ इसमें ऐसा भी प्रावधान है, जैसे कि ये मान लो कि आज ये प्रावधान है ना कि चोरी की सजा है वो 2 थप्पड़ है, तो अब ये नहीं कि कोई केस चल रहा और उसमें गवर्नमेंट नया कानून बना दे और फिर बोल दे कि नहीं, आज से इसको ये सजा मिलेगी। भाई साहब, जिस आदमी ने क्राइम किया तो उस टाइम पे जो कानून चल रहा था ना, जैसे मान लो कि 2000 कुछ भी एग्जाम, हाँ ये मान लो कि 1980 में किसी आदमी ने चोरी की है और उसका केस अभी तक चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज 2 थप्पड़ की सजा है तो उसको 2 थप्पड़ मिलेगी। नहीं, उस टाइम पे कानून क्या था कि उसको 50 साल की सजा होनी है, तो उसी तरीके से उसको सजा है वो दी जाएगी। मतलब जब केस हुआ है, जिस टाइम पे सजा, केस का जो मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है, उस टाइम पे एट प्रेजेंट में क्या कानून था, उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। ना तो पुराने कानून से आप सजा दे सकते, ना ही ऐसा है कि आप तुरंत कोई नया कानून बना के आप उसे सजा है वो दे दो। नया कानून बनाओगे तो उसके बाद में वो एप्लीकेबल होता है, पहले एप्लीकेबल नहीं हो सकता पहले के केसों पर। ये तो था 20 का पहला पार्ट। अब 20 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि किसी आदमी ने क्राइम किया ना, तो उसको एक ही सजा, मतलब एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लो कि हाँ, चोरी की है किसी आदमी ने और चोरी की सजा है 5 साल की जेल, ठीक है, 5 साल की उसको जेल देनी है। बट अगर उस आदमी को पहले ही आपने 5 साल हवालात में रख लिया है ना, मतलब जेल में रख लिया है, इसके बाद में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई साहब, अब आपको सज़ा सुनवाई गई है तो अब आपको 5 साल जेल में काटने पड़ेंगे। उसने ऑलरेडी सज़ा काट ली एक बार, इसका मतलब बस काम खत्म हो गया यहीं पर। यानी कि एक क्राइम के लिए एक बार से ज़्यादा आप उसको दंड है वो नहीं दे सकते। अब है 20 का तीसरा पार्ट। 20 का तीसरा पार्ट ये कहता है कि भाई साहब, आप किसी भी आदमी को अपने खुद के विरुद्ध ही गवाह नहीं बना सकते। जैसे कि आप किसी भी आदमी को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट गवाही देने को मजबूर हो जाए। जैसे कई बार पुलिस करती है ना कि जो मुजरिम होता है उसको मतलब पीटती है काफ़ी कि वो अपने विरुद्ध ही गवाही दे, वो गलत है, ऐसा नहीं कर सकती। ये मतलब हमारे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी आदमी को अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखो, एक केस आता है, एक सेकेंड, हाँ पेन, हाँ खाली पेपर पे चलते हैं। केस कौन सा, थोड़ा ध्यान रखना। केस है सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये है केस 2010 का। क्या है यह केस, वो हम देख लेते हैं। देखो, इस केस में बात ऐसी थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई साहब, जो
केस वगैरह में क्या आपको ये बताया कि कई बार जो अपराधी होता है उसका नार्को टेस्ट किया जाता है, इसी के साथ उसके साथ जो पोलीग्राफिक टेस्ट वगैरह है, प्रिक्सिमिलर ये टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, पोलीग्राफिक टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ना, इनका जो भी रिपोर्ट है ना, उसको आप हेल्प के तौर पे काम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसको सबूत के तौर पे काम ले सको। जैसे कि किसी भी आदमी का नार्को टेस्ट किया है तो उससे जो भी तथ्य आपको हासिल हुए हैं ना, उनको आप एज ए प्रूफ या एज ए सबूत के तौर पे काम नहीं ले सकते। बस आप उनका प्रयोग इसलिए कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है, आपको थोड़ी आगे मतलब जो केस चल रहा है ना, इसमें जाँच वगैरह आगे जल्दी से जल्दी बढ़ सके। मतलब आप इनको सबूत के तौर पर नार्को टेस्ट और पोलीग्राफिक टेस्ट के डाटा को यूज है वो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी। और राइट टू प्राइवेसी आगे हम पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 21 में खैर वो आता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। पुट्टा स्वामी जजमेंट आपको पता होगी, पुट्टा स्वामी जजमेंट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को हमारा फंडामेंटल राइट है वो लास्ट ईयर करा रहा है वो दिया है। तो ऐसे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सेल्वी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका में, कि भाई साहब आप जो भी नार्को टेस्ट और पोलियोग्राफिक टेस्ट वगैरह कर रहे हो ना, इनके डाटा का यूज आप सिर्फ और सिर्फ जांच को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हो, एज ए प्रूफ या एज ए सबूत के तौर पे इसका यूज आप नहीं कर सकते हो। वो किसी न किसी आदमी, जिस भी आदमी का आपने टेस्ट किया है वो उसके अगेंस्ट है, ये ऐसी बात यहाँ पे की गई। इसी के साथ ये कहा कि अगर कोई आदमी मेंटली एकदम ठीक है और इसी के साथ ही अगर बात करें मतलब फिजिकली भी एकदम ओके है, तो उसका आप नार्को टेस्ट वगैरह है वो उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। मतलब अगर आदमी एकदम ओके कंडीशन में है तो ऐसा नहीं कि आप उसके बिना मर्जी के ही आप नार्को टेस्ट उसके साथ करोगे, नहीं, वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है वो हो जाता है। तो ये बात यहाँ पे आर्टिकल 20 के थर्ड पार्ट में थी, सेल्वी वर्सेस केस आपको ध्यान में रखना। अगर आर्टिकल 20 में ये मेनली काउंट है वो होती है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। क्या है आर्टिकल 21? देखो आर्टिकल 21 ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया है ना, इसके बिना आप किसी भी आदमी को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। मतलब आपको किसी आदमी को सजा देनी है तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ना, उसी के तहत आप सजा दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अपनी मनमर्जी से कुछ भी करना शुरू कर दो, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके साथ ही आप उसको सजा दे सकते हो, और उसको उसके जो प्राण है उसके आप मतलब उनका हरण नहीं कर सकते, मतलब उसे जान से नहीं मार सकते, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है भाई। तो इसीलिए आप उसकी हत्या वगैरह वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं दे रहे हो। फिर इसमें आगे आता है हमारा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये कहते हैं कि भाई साहब आप जिसको भी गिरफ्तार कर रहे हो ना, उस आदमी को गिरफ्तारी का रीजन बताओ। मतलब आपने किसी आदमी को अरेस्ट किया पुलिस ने, तो पुलिस की ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि उस आदमी को बताए, और उस आदमी का यह फंडामेंटल राइट बनता है कि वो पुलिस से पूछे कि भाई साहब आप मेरे को अरेस्ट क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, कौन सा कांड किया है। मतलब बिना पूछताछ के आप उसको डायरेक्टली जेल में नहीं ढूंढ सकते हैं। इसके बाद में आर्टिकल 22 में सेकंड पार्ट आता है। आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट ये कहता है कि चलो ठीक है, आपने आदमी को अरेस्ट कर लिया, रीजन बता दिया और आपने जेल में डाल दिया, इसके बाद में आपको उस आदमी को 24 घंटे के अंदर अंदर, आपने उसे जब से अरेस्ट किया है ना, उससे 24 घंटे के अंदर अंदर जो मजिस्ट्रेट है ना, निकटतम मजिस्ट्रेट, वहाँ पे आपको उसको मतलब एक तरीके से प्रेजेंट करना होगा, और फिर आगे जो मतलब मजिस्ट्रेट का जो भी ऑर्डर है उसको आगे आपको फॉलो करना होगा। बस इसमें ये थोड़ा अपवाद दिया गया है कि जैसे वीकेंड की कोई भी छुट्टी वगैरह आ गई ना, तो वो 24 घंटे में काउंट नहीं है। जैसे मान लो कि किसी भी आदमी को सैटरडे को गिरफ्तार किया गया तो आगे संडे आ गया, तो संडे का दिन उसमें काउंट है, छुट्टी है वो काउंट नहीं होगा। और इसी के साथ ऐसे भी प्रोविजन है कि भाई साहब जो ट्रेवलिंग टाइम है, ये मान लो कि किसी आदमी को अरेस्ट किया है और उसके बाद में उसको 8 घंटे की ट्रेवलिंग के बाद में जेल में ले जाया गया है, तो वो 8 घंटे का ट्रेवलिंग टाइम है वो 24 घंटे में काउंट है, नहीं होगा। मतलब साफ यह है कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो कुछ गाइडलाइंस के तहत ही दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि निकटतम मजिस्ट्रेट के तहत अंडर आपको 24 घंटे में उसको मतलब एक प्रेजेंट है वो करना होता है। इसके बाद में आता है आर्टिकल 22 का थर्ड पार्ट। आर्टिकल 22 का थर्ड पार्ट ये कहता है कि किसी भी आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, उसको जेल में भी डाल दिया आपने, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया, सारे काम हो गए। अब उस आदमी को उसकी इच्छा के अनुसार वकील से परामर्श करने की छूट है। मतलब वो आदमी अपने लिए वकील हायर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं बोलोगे कि भाई साहब आप तो वकील हायर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उसको वकील हायर करने की अपनी इच्छा अनुसार वो किसी भी वकील को हायर कर सकते हैं, आप उस पर कोई भी रोक है वो नहीं लगा सकते। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो किया गया है। अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 22 में कुछ अपवाद हैं, देखो वो हम एक बार यहाँ पे देखते हैं।
देखो, ये अपवाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 22 के। यहाँ पे क्वेश्चन है वो बन जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आती है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेक्शन के बारे में, PREV एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात क्या है? देखो, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई साहब, कोई आदमी को जिसे पुलिस ने संदिग्धता के आधार पर गिरफ्तार किया है, मतलब पुलिस को ऐसा शक है कि ये आदमी कोई आगे कांड कर सकता है। जैसे कई बार देखते हैं ना कि पुलिस को ऐसा लगता है कि भाई ये कहीं ना कहीं बम धमाका होने में ये आदमी मतलब संलिप्त पाया जा सकता है, ये इस पर संदिग्ध है कि आदमी कुछ ना कुछ उल्टा कुछ मतलब कांड वगैरह या कोई भी अटैक कुछ करने वाला है, तो पुलिस उसको संदिग्धता के आधार पर अरेस्ट कर लेती है। तो उस कंडीशन में वो आदमी ऐसे नहीं कह सकता कि भाई मेरा भी फंडामेंटल राइट है कि मेरे को आप बताओ कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया, मैंने तो कोई काम किया ही नहीं है अभी तक वगैरह वगैरह, क्योंकि पुलिस ने उसको संदिग्धता के आधार पर अरेस्ट है वो किया। तो यहाँ पर ये एक अपवाद है वो सामने आ जाता है। संदिग्धता के केस में बेसिकली 3 महीने की जेल है वो दी जाती है। नॉर्मली खैर वो आगे एक्सटेंड है, वो भी की जा सकती है। और इसी के बाद में एक ही है कि अगर इनेमी कंट्री का कोई भी नागरिक है, उसको बताना कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब उसको बताया जाए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि इनेमी कंट्री इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी संदिग्ध है, और इसलिए संदिग्ध वालों को तो बताना जरूरी नहीं है कि आपको क्यों अरेस्ट है वो कर रहे हैं। तो ये दो आपको पॉइंट है वो ध्यान में रखने हैं। तो ऐसे पॉइंट की बार UPSC मतलब एग्जाम में पूछ लेती है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है यहाँ पे। फिर आगे एक केस आता है, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस आता है, वैसे इस केस के बारे में हम देखते हैं। ये केस आता है 1978 का केस है। देखो, एक केस UPSC का डायरेक्टली पूछे या ना पूछे वो अलग बात है, बट इनकी आप केस स्टडी है ना वो कहीं यूज कर सकते हो, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पॉइंट समझने के लिए केस स्टडी है उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कुछ कुछ केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केशवानंद भारती केस है 1973, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में फर्स्ट जजेज केस आता है, सेकंड बेंच केस आता है, तो वो भी आगे हम उनको खैर वो कवर करेंगे, बट ये हमें पता होना चाहिए। हुआ क्या था 1978 में केशवान जो मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी थी ना, उसने एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में केस है वो दायर किया था, मतलब याचिका दायर की थी, रिट लगाई थी। मेनका गांधी एक्चुअली सीनियर था कि मेनका गांधी को फॉरेन मतलब टूर पे जाना था, फॉरेन विजिट पे जाना था, बट हुआ क्या कि पासपोर्ट अधिकारी ने उनका पासपोर्ट ना वो जब्त कर लिया, और कुछ भी उनको बताया नहीं कि क्यों जब्त वगैरह किया गया, ठीक है। और इसके अगेंस्ट फिर मेनका गांधी है वो कोर्ट में गई थी। तो मेनका गांधी ने वहाँ पे 3 पॉइंट दिए, कौन से वो 3 पॉइंट है वो हम देखते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। पहली बात तो मेनका गांधी ने कहा कि भाई हमें विदेश जाने का अधिकार है ना, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उस पासपोर्ट अधिकारी ने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा उन्होंने कि भाई साहब जो पासपोर्ट अधिकारी है ना, उसने केवल आर्टिकल 14 का तो उल्लंघन किया ही किया है, और इसी के साथ आर्टिकल 19 और 21 क्या आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, कहीं भी बाहर जा सकते हो, और आपकी राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ अभी हमने डिस्कस किया, और आर्टिकल 19 में आपको बताया है कि फ्रीडम है कि आप कहीं भी घूम सकते हो वगैरह वगैरह, आपको कोई भी घूमने से जाने के लिए रोक नहीं सकता। तो मतलब आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 को आपने वोलेट है वो किया है, और वो कहीं ना कहीं मेरे फंडामेंटल राइट का बहुत बड़ा वोलेशन है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि देखो, आर्टिकल 19 को वोलेट किया गया है और आर्टिकल 21 को वोलेट किया गया है, ठीक है, और एक साइड क्या कहते हो, मेनका गांधी ने बोला कि एक साइड आप क्या कह रहे हो कि भाई साहब प्राण और देह स्वतंत्रता है ना, वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। जब आप मेरे को, आप खुद सोच के देखिए, जब आप मेरे को कहीं घूमने नहीं जाने दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आप मतलब मैं कोई विजिट देख रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी प्राण है वो ही सेफ नहीं है, तो कौन सी स्वतंत्रता है मेरे पास, कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये दिया मेनका गांधी ने अपनी तरफ से तंग कि भाई साहब मेरे को कोई प्राण और देह स्वतंत्रता का कोई तर्क है ही नहीं, मतलब मेरे पास आपने कुछ छोड़ा ही नहीं ऐसा कि मैं कहीं घूम सकूँ, तो मेरी लाइफ किस बात की फिर, आप ना आपने ना तो मुझे कोई रीजन बताया, बस आपने पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ मेरे फंडामेंटल राइट का वोलेशन है, और आप मेरे फंडामेंटल राइट को वोलेट है वो कर रहे हो, तो इसलिए मतलब ये कार्रवाई है इसके आगे अगेंस्ट वो की जाए। इसी के साथ उसने ये कहा फंडामेंटल, मेनका गांधी ने, कि भाई साहब जो नैसर्गिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई बेतुका कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फंडामेंटल राइट है ना ये हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें प्रकृति नेचर ने दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप किसी स्टेट ने दिए हैं, ये नेचर के द्वारा दिए हुए, आप बोल सकते हो कि गॉड गिफ्टेड है ये हमारे, जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसी के साथ ये फंडामेंटल राइट है वो आते हैं, ऐसा नहीं कि वो अलग से कहीं से कोई भी कोई उनको प्रोवाइड करवाएगा, फंडामेंटल राइट तो हमारे खुद के मैन मूल अधिकार हैं,
इनको आप कोई वॉलेट, इनको आप मतलब कहीं एक तरीके से वॉलेट थोड़ी कर सकते हो, ये कोई तो बहुत गलत बात होगी ना यहाँ पे। और इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई साहब मेरे को तो मौका तो देना चाहिए था ना एटलीस्ट, ताकि मैं मेरा पॉइंट तो रख सकती, मेरे को कोई मौका ही नहीं दिया गया, चुपचाप बिना कुछ इंक्वायरी के पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और ना ही मेरे को आगे कहीं कुछ जाने दिया, जब कुछ इंक्वायरी नहीं है तो फिर किस बात का मैं क्या चीज़ को प्रूफ है वो यहाँ पे करूँ। और इसके बाद में ये कहा मेनका गांधी ने, तीसरा पॉइंट ये कहा कि भाई जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ना, न्यायालय को वही स्वीकार करनी चाहिए। मतलब कानून में क्या लिखा हुआ है, जो रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, कानून क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही न्यायालय को काम है वो करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए अगर कोई ऐसी प्रक्रिया बना भी दी गई है, ध्यान से सुनना, मेनका गांधी ने क्या कहा कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को वंचित करने के लिए अगर कोई ऐसा कानून बना भी दिया गया है तो क्या वो सही है? जब आप किसी भी इंसान की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का ही कोई कानून बना दोगे तो वो सही थोड़ी होगा। मतलब कानून भी ऐसा होना चाहिए जो कि किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करे, ये मेनका गांधी ने तर्क यहाँ पे दिया। और फिर मेनका गांधी ने कहा कि भाई मेरा ये मानना है कि जो भी प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग उचित कार्रवाई की जाए, और जहाँ भी अन्याय हो उसके मतलब अन्याय सॉरी जो न्याय है, अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट फिर न्याय है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। ये मेनका गांधी ने बेसिकली यहाँ पे तर्क दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई साहब आप बिल्कुल सही हो, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों लॉजिकों को स्वीकार है वो कर लिया था। तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि मेनका गांधी केस है वो क्या था। ऐसे देखो यूपीएससी डायरेक्टली कभी नहीं पूछती मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती के बारे में फिर भी पूछ सकती है, बाकी ऐसे छोटे मोटे हर केस के बारे में यूपीएससी नॉर्मली नहीं पूछती है, बट हमें थोड़ी स्टडी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या सीन है वो यहाँ पे चल रहा है। तो ये देखो ऐसे ऐसे पॉइंट थे जिनको हमने यहाँ पे कवर किया। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट था, सेकेंड मतलब राइट टू फ्रीडम, उसको हमने कवर कर लिया है। बाकी कल हम दो फंडामेंटल राइट को आगे कवर करेंगे, आगे छोटे 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 ही हैं, फिर वो ज़्यादा इतने मतलब बड़े भी नहीं हैं, तो उनको हम जल्दी से कवर कर लेंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।